हेलो फ्रेंड्स, आई एम नरेंद्र वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एनवी एडुहा। सो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। आई होप आप सब लोगों ने उस वीडियो को काफ़ी एंजॉय किया होगा। अगर आपने वो वीडियो अब तक वॉच नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस वीडियो को ज़रूर वॉच करें, उसका लिंक ऊपर आप देख सकते हैं। चलिए, लास्ट टाइम उस वीडियो में मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के लिए डिटेल डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो हेयर इट इज़। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के बारे में, क्या इनके मीनिंग होते हैं और कौन कौन से इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज यहाँ पर शामिल होते हैं, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, यू कैन हैव अ लुक, यहाँ एक स्पेसिमेन बना हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, राइट? आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं उस पर चर्चा नहीं करने वाले हैं, दैट विल बी डन इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट? आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये स्पेसिमेन केवल आपको मैंने ये दिखाने के लिए लगाया हुआ है ताकि आपको समझ में आए कि इन एक्टिविटीज़ की इम्पॉर्टेंस यहाँ पर है। यू कैन हैव अ लुक दिस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, सेकेंड वन इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड थर्ड वन इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इन तीनों एक्टिविटीज़ को मिला के हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार होता है, राइट? हम ये देखते हैं कि इन तीनों तरह की एक्टिविटीज़ में जो हमारा कैश है उसका मूवमेंट या तो पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा। पहले तो इनको सेपरेटली देखेंगे, फिर इनको कंबाइन किया जाएगा नीचे, राइट? तो वो सब करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का क्या मतलब है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का क्या मतलब है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का क्या मतलब है, इसमें किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। ओके, नाउ बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, कि हमें जो क्वेश्चन दिया जाता है उसमें दो तरीके से शुरुआत हम कर सकते हैं। क्वेश्चन में या तो हमको दिया जाता है नेट प्रॉफिट या हमको दिया जाता है सरप्लस। दोनों में फ़र्क क्या है? जब हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं तो हमें मान के चलते हैं कि ये होगा आफ्टर टैक्स, राइट? जब तक कि कोई क्लैरिफिकेशन उसमें नहीं दी है। ओके, क्वेश्चन में अगर हमें ये दिया हुआ है तो हमें इसके अकॉर्डिंग चलना होगा, और अगर सरप्लस दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। अब ये सरप्लस होता क्या है? सरप्लस होता है बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि नेट प्रॉफिट निकालने के बाद जो भी उसका आपको एप्रोप्रिएशन करना है उसके बाद जो बैलेंस बचता है दैट इज नोन एज सरप्लस, राइट? लेकिन आज के वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा नहीं करने वाले, इसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यही पॉइंट डिस्कस करें, राइट? ओके, आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो आगे बढ़ते हैं। सो एज आई टोल्ड यू, कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड्स थ्री काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब देखिए, नाम से समझने की थोड़ी कोशिश कीजिए। ऑपरेटिंग, अभी मैं इनकी डेफिनेशंस भी आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आप नाम से समझ लें, क्योंकि नाम जब आता है तो आपके माइंड में कुछ क्लिक होना चाहिए। ऑपरेटिंग से क्या क्लिक होना चाहिए? कि जो भी हमारे बिजनेस का मेन नेचर है, प्राइमरी फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल कि मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, मैं क्या करता हूँ, मैं वुड खरीदता हूँ और उससे फर्नीचर तैयार करता हूँ, फिर चाहे वो कबर्ड हो, चाहे चेयर हो, टेबल हो, राइट? तो मेरी मेन बिजनेस की एक्टिविटीज़ क्या होंगी कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे परचेज करना है, मेरे लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, परचेज ऑफ वुड, राइट? ओके, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मुझे चेयर बनवानी है तो मुझे उसके लिए लेबर पे करनी पड़ेगी, मुझे कुछ वर्कर्स लगाने पड़ेंगे, उसका मुझे वेजेस उनको देना पड़ेगा, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे और क्या क्या परचेज करना पड़ेगा, उससे संबंधित हो सकता है मुझे नेल्स, जिसे हम कील कहते हैं, वो परचेज करनी पड़े, हो सकता है मुझे पॉलिश परचेज करनी पड़े, ठीक है, पेंट परचेज करना पड़े, एक्सेट्रा, राइट? ये सब तो क्या हो गए, मेरे खर्चे हो गए। ओके, अब मैं इनकम की बात करता हूँ। मैंने वो चेयर तैयार कर ली, अब मैं उसे बेचूंगा, उसको बेचने से मेरे पास पैसा आएगा, ठीक है ना? तो सेल ऑफ
फिनिश गुड्स, उससे जो पैसा आएगा वो मेरे लिए इनकम हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम क्या शामिल करते हैं, हम वो एक्टिविटीज़ शामिल करते हैं जो हमारे मेन बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। और क्या चीज़ें रिलेटेड हो सकती हैं, अब मैंने फर्नीचर बेचने के लिए एक अपनी शॉप्स या शोरूम सेटअप किया हुआ है, तो उसका रनिंग कॉस्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, वो भी भाई उसी का पार्ट है। इसके अलावा जो अदर ऑफिशियल एक्सपेंसेस होंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस, वो भी सब उसी का पार्ट होंगे, ठीक। तो कुल मिला के सारी एक्टिविटीज़ में क्यों कर रहा हूँ, इस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कर रहा हूँ। मुझे इस ऑफिस की ज़रूरत है, मुझे इन वर्कर्स की ज़रूरत है, मुझे इस वुड की ज़रूरत है, मुझे इस सारे मटेरियल की ज़रूरत है, ठीक है। तभी मैं फिनिश प्रोडक्ट बेच कर प्रॉफिट अर्न कर सकता, राइट। ओके, सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में वो सारी एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं जो आपके प्राइमरी बिजनेस से जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दूसरी तरह की एक्टिविटीज़, जो क्या हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब हम बिजनेस कर रहे हैं, मैं उसी एग्जांपल पे चलता हूँ, फर्नीचर के बिजनेस पे, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब उसी बिजनेस में अब क्या हुआ, 4-5 साल मैंने बिजनेस किया और मेरे पास प्रॉफिट इकट्ठा हो गया है, ठीक। बिजनेस में ऐसा कहा जाता है कि पैसे से पैसा बनता है, अगर आपके पास पैसा फालतू पड़ा हुआ है तो आपको उस पैसे को क्या कर देना चाहिए, आपको उस पैसे को इन्वेस्ट कर देना चाहिए बेटर अपॉर्चुनिटी में, क्योंकि पैसा आपके पास पड़ा रहेगा तो वो बढ़ेगा नहीं, बट इफ़ यू इन्वेस्टेड तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, मार्केट में उसे इन्वेस्ट कर दिया। अब इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास कोई भी ऑप्शन हो सकता है, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, ठीक, या डिवेंचर्स खरीद लिए, ओके, या फिर मैंने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया। तो कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट मेरा हो सकता है, ठीक। अब मैंने जब इन्वेस्टमेंट किया तो जाहिर सी बात है मेरे पास से वो पैसा गया होगा, उस प्रॉफिट का वो पोर्शन गया होगा, ठीक है, उसको खरीदने में। अब जब ये इन्वेस्टमेंट मैं बेचूंगा तो मुझे इस पर इनकम होगी, रिटर्न मिलेगा, ठीक है, तो वो मेरी इनकम हो जाएगी। तो वो सारी एक्टिविटीज़ हम किस में डालेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में डालेंगे। ये मेरे मेन बिजनेस से संबंधित नहीं है, मेरा मेन बिजनेस फर्नीचर का है, पैसा इन्वेस्ट करना मेरा मेन बिजनेस नहीं है। ये क्या हो गया, मेरे पास सरप्लस पैसा पड़ा था तो मैंने लगा दिया, ठीक है। तो उससे जो हमारी इनकम होगी या उसमें हमारे जो एक्सपेंसेस होंगे, उन सब का ट्रीटमेंट हम कहाँ करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, राइट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ मीन्स रिलेटेड टू फाइनेंस, फाइनेंस मीन्स आउटसाइड मनी, ठीक है, बाहर से पैसा आएगा। कई बार पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, बैंक से, मार्केट से लोन लेते हैं, ठीक है। लोन लेते हैं तो हम उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं। अब आप देखिए, ये मेरे बिजनेस से संबंधित चीज़ें नहीं हैं, मेरे पास सफिशियंट पैसा होना चाहिए अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, नहीं है, मुझे बाहर से लाना पड़ रहा है, तो ये एडिशनल काम हो गया, ठीक है। तो उससे संबंधित जो एक्टिविटीज़ होंगी वो हम किस में डालेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, ठीक है। पैसा आना और इंटरेस्ट चुकाना और जो पैसा हमने लिया उसका रिपेमेंट करना, राइट। मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया है तीनों तरह की एक्टिविटीज़ के बारे में, अब हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। एक और बात मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ हम बात कर रहे हैं क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि जो भी बात होगी वो कैश के फ्लो से संबंधित होगी, चाहे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हो, ठीक है। दो ही तरह के फ्लो होते हैं, एक तो होता है आपका इनफ्लो और दूसरा होता है आउटफ्लो। इनफ्लो यानी कि पैसा आएगा, आएगा यानी कि प्लस, जिसे हम कह सकते हैं रिसीट, ठीक, और आउटफ्लो यानी कि पैसा जाएगा यानी कि माइनस, इसे हम क्या कह सकते हैं, पेमेंट्स। तो कैश की बात हो रही है, जब हम कैश बोलते हैं तो मैं पहले ही भी आपको बता चुका हूँ कि कैश से हमारा मतलब कैश इक्विवेलेंट से है, उसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी शामिल हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ हैव अ लुक, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की डेफिनेशन क्या है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड
other activities that are not investing or financing activities. Let's understand this definition. यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो प्रिंसिपल यानी वो खास एक्टिविटीज हैं जो हम रेवेन्यू प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं. रेवेन्यू यानी कि रेवेन्यू को मतलब क्या होता है, रेवेन्यू को मतलब इनकम होता है. ठीक है, रेवेन्यू मीन्स इनकम जिसमें से अभी खर्चे माइनस नहीं किए गए. ओके, तो हम इनकम जनरेट करने के लिए जो भी एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, मेन रूप से प्रिंसिपल वर्ड यूज किया गया है, ठीक, तो वो सारी एक्टिविटीज हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहलाती हैं. और कौन सी एक्टिविटीज कहलाती हैं, जो एक्टिविटीज इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कैटेगरी में नहीं आए वो भी हमारी ऑपरेटिंग कहलाई जाएंगी. ये ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का क्या है, दायरा थोड़ा लिमिटेड है, तो उसके अलावा जो भी एक्टिविटीज बच जाती हैं उनको आप ऑपरेटिंग में डाल सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अब हमको देखना है दो चीजें, एक देखना हमें इनफ्लो और दूसरा देखना आउटफ्लो. जैसा कि मैं बता चुका हूँ, इनफ्लो मीन्स रिसीट एंड आउटफ्लो मीन्स पेमेंट्स. ओके, इससे कैश आएगा और इसमें कैश जाएगा. ठीक है, चलिए समझते हैं जरा. तो देखिए यहाँ पे तीन कैटेगरी बनी हुई हैं. पहली है फॉर नॉन फाइनेंशियल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग कंपनीज और दूसरा है फॉर फाइनेंशियल कंपनीज. तो ये जो सिचुएशन है दिस इज बाय डिफॉल्ट सिचुएशन. यानी कि क्वेश्चन में अगर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है तो आप यही मानेंगे कि कौन सी कंपनी की बात हो रही है, वो या तो मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग है. मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आपको बता दूं, जैसे कि कोई भी चीज़ बनाना, फिर चाहे वो खाने से संबंधित हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो, होम अप्लायंसेस हो, एक्सेट्रा. ट्रेडिंग मतलब ऑलरेडी सामान बना हुआ था, आपने उसे सस्ती रेट पे खरीदा और उसे बेच दिया. होलसेलर जो करते हैं, रिटेलर जो करते हैं, अगर उस तरह की कंपनी आपने बना रखी है तो ट्रेडिंग कंपनी कहलाएगी. ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग हो या ट्रेडिंग हो, ये दोनों किस कैटेगरी में आ रही है, नॉन फाइनेंशियल. ठीक है, जब हम नॉन फाइनेंशियल कहते हैं तो उनसे हमारा मतलब मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग होता है बाय डिफॉल्ट, राइट. फाइनेंशियल कंपनी कौन सी होती है जो नॉन फाइनेंशियल ना हो. फाइनेंशियल यानी कि जो फाइनेंस में डील करे, अभी हम इस पर बात करेंगे. ठीक है, अब फाइनेंशियल कंपनी से क्या मतलब है भाई हमारा, आपने देखा होगा जैसे कि म्यूचुअल फंड एजेंसीज हैं, ठीक, वो हमारी क्या हो गई, फाइनेंशियल कंपनीज हो गई. बैंक हैं, वो हमारी क्या हो गई, फाइनेंशियल कंपनी हो गई. इसके अलावा हमारे बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हुए, जैसे कि IFCI हुआ, SIDBI हुआ, ठीक है, IDBI जो बैंक है लेकिन ये भी आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एक तरीके का. ठीक है, तो ये सब क्या कहलाएंगे हमारे लिए, फाइनेंशियल कंपनीज. ठीक, तो इन फाइनेंशियल कंपनी का क्या है, ये ना तो मैन्युफैक्चर करते हैं कुछ, ना कुछ ट्रेडिंग करते हैं. तो ये करते क्या हैं, ये क्या करते हैं, केवल सिक्योरिटीज वगैरह में डील करते हैं. आप देखेंगे बैंक आपका पैसा लेके क्या करेगा, आपको इंटरेस्ट देता है, तो वो इंटरेस्ट आपको क्यों दे पा रहा है, क्योंकि वो उससे ज्यादा उस पैसे पे कमा रहा है. वो कैसे कमा रहा है, वो लोन देगा, है ना, वो लोन देगा, उससे वो इंटरेस्ट कमाएगा या वो मार्केट में वो पैसा इन्वेस्ट करेगा. तो ये सारा काम फाइनेंशियल कंपनीज करती हैं. ठीक है, तीसरी कैटेगरी जो यहाँ बनी हुई है वो क्या है हमारी, फॉर नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट कंपनी. यानी कि नॉन फाइनेंशियल में एक और शामिल हो जाएगी लेकिन इसको स्पेसिफिकली मैंशन किया जाएगा आपको क्वेश्चन में. वो क्या है, इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट कंपनी. यानी वो कंपनी जो क्या करती है, रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी बिजनेस में डील करती है. ठीक, चलिए, तो ये तो तीन कैटेगरी हो गई, इनको ध्यान से समझिएगा. अब हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमारा क्या क्या आता है.